हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपसे स्पाइडर प्लांट के बारे में बात करूंगी। एक शेड लविंग प्लांट है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पसंद इसको, तो शेडी एरिया में बहुत अच्छा ग्रो करता है। ये प्लांट एयर प्यूरीफायर है, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। और इसकी सॉइल की बात करें तो वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए इसकी। इनके जो हमारे प्लांट्स में सब होती है, गार्डन सॉइल एक हिस्सा और एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा सैंड, तो और पानी से जब देते हैं जब गमले की ऊपर की मिट्टी सूख जाए, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से प्लांट गल जाता है। ऊपर की मिट्टी सूख जाए तो फिर नेक्स्ट इसको पानी देते हैं, और इतना देते हैं कि ड्रेनेज से पानी नीचे से निकलना शुरू हो जाए गमले से। और फर्टिलाइज़र महीने में दो बार, यानी कि 15 डेज़ में इसे फर्टिलाइज़र देना होता है। तो मैं भी अपने सारे प्लांट्स में NPK देती हूँ 15 डेज़ में, तो उसकी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी रहती है इससे। और ये मेरा बड़ा वाला प्लांट्स देखें, ये मेरा एक मदर प्लांट है और इसी से इतना कंजस्टेड हो गया है। ये इसी प्लांट से मैंने सारे प्लांट्स तैयार किए। काफ़ी सारे प्लांट्स मैंने गिफ्ट कर दिए हैं अपने फ्रेंड्स को, और अभी ये नए बनाए हैं मैंने सारे। तो इसमें नई स्टॉक्स निकलती रहती हैं, फरवरी में इसकी नई स्टॉक्स निकलती हैं, और इसमें पहले फ्लावर आता है, ये छोटे छोटे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं, तो उसे हम बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ ये स्टॉक पे से कट कर लें इसको, जैसे मैंने ये मिट्टी के प्याले में कट करके रखा हुआ है, तो इसको मैं बस मिट्टी में हल्का सा दबा कर पॉट में, छोटे पॉट में, और इसको हल्का सा दबा के रख दूँगी, तो उससे ये सारे 100% इसका रिज़ल्ट आता है। और तो ये भी सारे मैंने इसी तरह से एक ही प्लांट से बनाया। बहुत खूबसूरत इनडोर प्लांट है और इसकी कोई ख़ास केयर भी नहीं करना पड़ती। स्प्रिंग का सीज़न आ गया है, अब इसकी नई स्टॉक्स भी निकलेंगी, जिससे आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं और अपने गार्डन की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।